भी देश की आजादी से लेकर अब तक जितना इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आया है, हमारे एलजी साहब यहाँ बैठे हैं, मैं उनको बहुत बहुत मनोज जी को बधाई देना चाहता हूँ कि 33,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट जम्मू और कश्मीर के अंदर जमीन पर उतारने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है। प्रधानमंत्री पैकेज के सारे पहलुओं को पूर्ण करने के लिए द्रुत गति से काम हो रहा है। हर घर जल, बिजली हर घर पहुंचाना, कोरोना के लिए एक अद्भुत व्यवस्था खड़ी करना, हर घर में शौचालय पहुंचाना, हर घर के अंदर आयुष्मान भारत का कार्ड पहुंचाना, ये सारी योजनाओं में शत प्रतिशत सैचुरेशन जम्मू कश्मीर लाया है। इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन बहुत बहुत बधाई का हकदार बनता है। सड़क निर्माण में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये 5 साल के अंदर सड़क निर्माण आजादी के बाद सबसे तेज रफ्तार के साथ हुआ है। चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे गांव को जोड़ने वाले छोटे छोटे रास्ते हो, हर क्षेत्र के अंदर रिकॉर्ड तोड़ने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। 7 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, 2 एम्स बने हैं, 21 जल विद्युत योजनाओं को शुरू कर दिया गया है और इसके साथ साथ हर क्षेत्र के अंदर पारदर्शिता को लाने में जम्मू कश्मीर सरकार को बड़ी सफलता मिली है। आजादी के बाद पहली बार भ्रष्टाचार के विरोध में एक बहुत बड़ा अभियान दोनों प्रकार से किया गया, भ्रष्ट लोगों को नश्यत करने का भी अभियान लिया गया और सिस्टम के अंदर से, प्रशासन के अंदर से भ्रष्टाचार कैसे नाबूद हो, इसके लिए भी एक बहुत बड़े बदलाव करने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। मैं आज इस मंच पर से जम्मू कश्मीर प्रशासन को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, मैं सीआरपीएफ पर हमेशा गर्व करता हूं, पूरा देश गर्व करता है। आज सीआरपीएफ का स्थापना दिन है, ये 3,25,000 जवानों का समूह आज के दिन देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की सुरक्षा लिए के लिए अपने आप को पुनः समर्पित करे और सीआरपीएफ का जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा है, ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है, इसको आगे और तेजस्विता के साथ बढ़ाने का हम सब संकल्प करें, यही आप सबसे अपेक्षा भी है और यही आप सबसे अभ्यर्थना भी है। मित्रों, फिर से एक बार 2340 जवान जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिए हैं उनको श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को मैं समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।